मुझसे ईमानदारी से पूछे ना, वो छोड़ दें रोहित शर्मा वगैरह को, वो इस कैटेगरी में नहीं आते। लेकिन अगर आप मुझसे यंगस्टर्स में पूछे, हाँ जी, के सैंजू सैमसन है, आयर है, ऋषभ पंत है, फिर उन्होंने उड़ा के ही रख दिया, वन मैन शो था। रसल का पहले बॉलिंग में उमेश यादव का था, हाँ। इधर रसल का था, किसी को चुभेगी ये बात तो चुपती रहे, मैं क्या कर सकता हूं। 10 फ्रेंचाइजी से लोगों का ये ख्याल था कि शायद कहीं कंप्रोमाइज हो जाए, कहीं मैं पाकिस्तानी नहीं है बाकी सारी जनाब के बड़ा उनको ट्रो, और क्या कौन रहा है, अल्लाह की शान देखें, क्या कौन रहा है, इतने 400 मैच खेलने वाला बंदा और जनाब की एवरेज 20-22 की थी, आपने हजारों मैच पाकिस्तान को हरवाए हैं, कोई एक नहीं दो जितवाए भी आपने, तो 2-4। लेकिन भाईजान आप जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। तो आखिरकार जीत लिया मैच केकेआर ने। आखिरकार से मेरा मतलब है कि नीतीश राणा और श्रेयस अय्यर की विकेट जाने के बाद काफ़ी स्लो हो गया था, ऐसा लग रहा था कि बराबरी कांटेदार होगी और फंस गया था मैच, लेकिन उसके बाद रसल ने कसर निकाल दी और जिता दिया। पहले अगर बात करें तो उमेश यादव ने अपना जलवा दिखाया, जिस तरह से इतने लो स्कोर पर रोक दिया था पंजाब किंग्स को, उसके बाद रसल, देखते हैं किस प्रकार का रिएक्शन है रिजवान हैदर मोहसिन अली साहब का गेंदबाजी पर, उमेश यादव की गेंदबाजी पर और एंड्रे रसल के इस फिनिश पर। वो पंजाब के जो दोस्त हैं, जो पंजाब के सपोर्टर्स हैं, उनके मैसेज आना स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं जी इन्हां दा की बनेगा, इट्स जस्ट अ मैच। देखें अग्रवाल साहब जो है उनको अभी टाइम लगेगा, रबादा के 3 ओवर करवाए हैं, अबे तूने उसका 1 ओवर, उसकी क्या अगले मैच में वो 5 ओवर कराएगा, खुदा के बंदे कप्तानी देखे, कप्तानी बड़ा प्रॉब्लम है रिजवान हैदर, हर बंदा इस वक्त अगर आप मुझसे ईमानदारी से पूछे ना, वो छोड़ दें रोहित शर्मा वगैरह को, वो इस कैटेगरी में नहीं आते। लेकिन अगर आप मुझसे यंगस्टर्स में पूछे, हाँ जी, के सैंजू सैमसन है, आयर है, ऋषभ पंत है, अच्छा बिफोर, अच्छा जी आप बात चले आप बात कर ले, देखे किसी ना किसी ने तो मारना था, अभी नारायण भी रहता था, बात यह मेरा भाई रसल है, फिर इनके पास बिलिंग्स है, इनके पास कप्तान इनका बहुत अच्छा खेलता है, नीचे नारायण है, तो भाई जी इनके पास भी वैरायटी की कमी नहीं है। हाँ जी। अगर आप ये समझे कि ये 137 रन जो है स्ट्रगल करता, 33 बॉल्स पहले रिजवान साहब ने जीते, अच्छा 33 रन कम थे, अगर रसल को भी कहीं ना कहीं जल्दी पकड़ लेते फिर भी मैच फंस जाता। हाँ। फिर ये सैम बिलिंग्स का सही रियल टेस्ट होता, ये वही हालत होती जैसे मैं आपको कहता हूं आसिफ हो, खुशदिल हो, इफ्तिखार हो, शदाब हो या हैदर हो, और रंजे कितनी हो, यही 40-50 रन 3-4 ओवर हो, वो तो ठीक है, लेकिन भाई जान 51 पे 4 थे, अगर फर्ज करें 65 पे 5 हो जाते, 70 पे 5 हो जाते रिजवान साहब, ये मैच इट वुड हैव बीन राइट डाउन टू द वायर, 30 रन का ओवर आ गया ना, पंजाब विल डू वेल, पंजाब विल डू वेल, और उमेश यादव का देखा हो जाता है एक आधे मैच में हो जाता है, इनिशियल सीजन में इसको एक्शन में उठाया ही नहीं जाता था, और आज देखे लीडिंग विकेट टेकर है, तो इससे क्या साबित होता है, ट्रस्ट, अपने ऊपर बिलीव रखें, अपना बेस्ट दें एंड लीव द रेस्ट। बिल्कुल जी सही बात है, और पंजाब की टीम अच्छी है, और आज जिस तरह का स्टार्ट मिला था, बेशक विकेट गिर रही थी, पावर प्ले में बड़ा अच्छा तेज खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, एक के बाद एक। देखिए T20 है, वन डे है, और टेस्ट में तो ऑब्वियसली विकेटों की बहुत जरूरत होती है, चाहे छोटे से, इवन T10 में भी हमने देखा वो जो T10 मैचेस होते हैं, विकेट्स आप लेते रहे तो आप अगली टीम को अंडर प्रेशर रखते हैं, T10 जैसे छोटे फॉर्मेट में भी ये हमने कई बार देखा है, जैसे ही विकेटें गिरती हैं तो अगली टीम जो थोड़ा सा संभल के 2-3 ओवर बीच में संभल के खेलने की कोशिश करती है, तो ये T20 में तो खैर बेतहाशा T10 के मुकाबले में डबल ओवर होते हैं, 2-3 विकेटें अगर ऊपर नीचे गिरे तो आप काफी अंडर प्रेशर आते हैं, हालांकि 6 ओवरों में 62 था, उसके बाद जिस तरह विकेट बचा के आपने खेलना होता है, बीच में हमने देखा है T20 में भी ठीक है 2-4 ओवर आप 6-6.5 के रन रेट से भी निकाल के लेके जाते हैं, लेकिन ऊपर नीचे जो विकेटें गिरी हैं फिर पंजाब संभल ही नहीं पाया, 51 पे 4 आउट हो गए, फिर उन्होंने उड़ा के ही रख दिया, वन मैन शो था, रसल का पहले बॉलिंग में उमेश यादव का था, हाँ। इधर रसल का था, कमाल धमाल, और देखे शियर
शीयर क्लास थी वो। आपकी दोनों टीमों का मैच है आपस में, राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियन का, वो मैच होगा पटेल स्टेडियम में 3 बजे, आपको पता सैटरडे है, डबल एडर है। शाम को जो मैच है वो पुणे में होगा, वो गुजरात का मैच है और दिल्ली कैपिटल्स का मैच है। तो कहने का मकसद है रिजवान साहब, 10 फ्रेंचाइजेस, और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, किसी को चुभेगी ये बात तो चुपती रहे, मैं क्या कर सकता हूं। 10 फ्रेंचाइजेस से लोगों का ये ख्याल था कि शायद कहीं कंप्रोमाइज हो जाए, कहीं मेयार गिर जाए। क्या हुआ? नहीं, जब आप कह रहे हैं अगर किसी को कोई बात ये चुभे तो फिर चुपती है तो चुपती रहे, तो फिर आपको ये पूछने की क्या जरूरत है कि नहीं। मेरा मतलब है, मैं देखिए मेरा काम है वार्निंग दे देना, वो तरह एक वार्निंग होता है, ये आपके लिए हानिकारक है, ये आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन मैं ये बात जरूर करूंगा। सिंह है? नहीं नहीं सारी है। ठीक है, तो जब 10 टीमें इन्होंने की, 2 नई टीमें आई इस साल, सब पाकिस्तानी नहीं है, बाकी सारी नहीं है ना, बाकी सारे हैं, वो तो नहीं जा सकते फिलहाल जब तक के तो नहीं होंगे। ठीक है, पाकिस्तानी 5-6 आ सकते हैं, बड़े आराम से आ सकते हैं आईपीएल में, इसमें कोई मुझे कोई शक नहीं है। और जो जेन्युइन क्रिकेट लवर्स हैं वो मेरी बात को इंडोर्स करेंगे, जेन्युइन। तो रिजवान साहब, 10 टीमें होने से माजरत के साथ नो कंप्रोमाइज ऑन क्वालिटी, नो कंप्रोमाइज ऑन क्वांटिटी, नो कंप्रोमाइज ऑन ब्रेथ टेकिंग स्टफ, दिस इज कॉल्ड ब्रेथ टेक। व्हाई दिस लीग इज मोस्ट सॉट आफ्टर, 120+ कंट्रीज आर शोइंग दीज आईपीएल मैचेस लाइव, व्हाई? लेकिन हमारे जालिम नहीं दिखा रहे हमें यार, हम तो देख रहे हैं ना, पाकिस्तान में 60-70% लोग देख रहे हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूं। ठीक है, ये मैं मुताद बता रहा हूं, हालांकि मैं 90 भी कह सकता था, लेकिन नहीं 60-70 कह रहा हूं। एनीवेज जी, वो क्या ट्वीट कर दिया भाई शाहिद अफरीदी ने, वो क्या मसला पड़ा? शाहिद अफरीदी साहब कहते हैं जनाब के बड़ा उनको ट्रो, और क्या कौन रहा, अल्लाह की शान देखे, क्या कौन रहा है, इतने 400 मैच खेलने वाला बंदा और जनाब की एवरेज 20-22 की थी, वो फरमा रहा है जनाब के खुशदिल शाह, मैं पढ़ी इमामुल हक, आप पढ़ लें बेशक, खुशदिल शाह मैं दे दूं। अमेजिंग विन जी, गुड स्टार्ट बाय बाबर आजम बट लॉस्ट हिज टेम्पो, वेटिंग फॉर हिम टू स्टेप अप एज अ मैच विनर, रिगार्डलेस ग्रेट ओवरऑल परफॉर्मेंस बाय खुशदिल शाह, इमाम और शाहीन शाह अफरीदी। बाबर आजम की शाहिद अफरीदी साहब को इनिंग्स ही नहीं नजर आई, कमाल हो गया यार, मतलब है आपने भी साबित किया कि आप कराची में रहते हैं तो आपके नजरों के ऊपर भी वो एक और दमाद है आपका, एक शाहीन शाह अफरीदी। खुशदिल शाह ने भजन को तीर मारे एंड पे आके, वो तो आप किसी को भी भेज देते, कौन सा रन है, बॉल ही था ना, कौन सा 10-12-14 रन की एवरेज चाहिए थी। ठीक है, खुशदिल इज नॉट बैड, लेकिन भाईजान शाहिद अफरीदी साहब आप ये कह रहे हैं कि लॉस द टेम्पो, आपने हजारों मैच पाकिस्तान को हरवाए हैं, कोई एक नहीं दो जितवाए भी आपने, तो 2-4, लेकिन भाईजान आप ये मत, 2000 जितवाए हैं, ज्यादा थोड़े ज्यादा जितवाए हैं, 5-6 कर दें। वर्ल्ड कप 2009 का सेमीफाइनल फाइनल शायद ने जितवाए, मैं मानता हूँ, मैंने बीच में अच्छे मैच, कुछ और मैच भी, कोई एशिया कप का भी इंडिया वाला एक मैच जो अश्विन को 2 छक्के मार गया वो भी ठीक है, कोई एक आज मैच और भी कर लें, लेकिन रिजवान अदर साहब 10 कर लें 12 कर लें 15, 400 में 10-15 कर लें, लेकिन ये ट्वीट दे कौन रहा है कि जनाब लॉस्ट टेम्पो लॉस्ट मोमेंटम, हु इज सेइंग दिस, अल्लाह की शान। कमाल है जी, कमाल है। एंड्रे रसल इसी बात के लिए जाने जाते हैं, टीम भले ही कोई हो, 2 छक्के लगातार, 70 रन नॉट आउट के साथ, 33 गेंद पहले जिता दिया 6 विकेट से। आपका क्या ख्याल है इस जीत पर? उमेश यादव की गेंदबाजी कैसी लगी आपको? एंड्रे रसल की फिनिश जरूर बताइएगा। मिलेंगे सुबह, इजाजत, जय हिंद।